विद्यालय को नहीं मिला चावल, एक सप्ताह एमडीएम बंद। प्रधान शिक्षक ने कहा, तीन बार एमडीएम प्रभारी को दिया सूचना। एक तरफ सरकार विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति के लिए तरह तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारने पर जुटी है, लेकिन स्थानीय स्तर के पदाधिकारी इसका बंटा धार करने में जुटे हैं। इसका उदाहरण सोमवार को संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी बरियारिया कन्या मध्य विद्यालय में देखने को मिला, जहाँ लगभग 300 से अधिक बच्चे नामांकित हैं, जबकि लगभग एक सप्ताह से चावल के अभाव में एमडीएम बंद है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि पप्पू महतो व सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत पासवान ने विद्यालय पहुंच करके प्रधान शिक्षिका से जानकारी ली। प्रधान शिक्षिका रीता कुमारी ने बताया कि एमडीएम का चावल खत्म होते इसकी जानकारी एमडीएम प्रभारी को लगातार तीन बार दिया, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण एमडीएम बंद है। साथ ही एमडीएम बंद होने से छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी कम हो रही है। जब इस बाबत एमडीएम प्रभारी मुकेश कुमार से पूछा गया तो उनका कहना था कि सरकार जब चावल देगी तभी विद्यालय को मिलेगा, कोई अपने घर से थोड़ी ना खिलाएगा। उनका ये भी कहना है कि चावल खत्म होने के एक सप्ताह पूर्व ही चावल की कमी की जानकारी प्रधान शिक्षक को देना है, लेकिन मुझे एक बार भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। R9 भारत के लिए संतोष पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है बाबू? सीमा कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। मध्याह्न भोजन कब से नहीं मिल रहा है तुम लोगों को? 10-11 दिन से। कितने दिन से नहीं मिल रहा है बाबू मध्याह्न भोजन? कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? कितने दिन से नहीं मिल रहा है? तो तुम लोग शिक्षक से बोले हो या प्रधानाध्यापक से बोले हो जो हम लोगों को भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? तुम बोले हो? आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, कारण कुछ? राशन खत्म हो गया है, एमडीएम का भोजन नहीं बन रहा है आपके विद्यालय में? 17 से सोमवार से नहीं बन रहा है, यानी 8-9 रोज हुआ है। क्यों नहीं बन रहा है? चावल नहीं है। स्टॉक में तो चावल अभी लगभग 25-30 केजी 40 केजी दिखाई दे रहा है। तो शेष है। चावल नहीं है, इसको लेकर कहीं लिखित किए हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन दिए हैं? हम लोग पूछे तो बोले कि हाँ चावल। पूछे नहीं, आपके द्वारा किसी अधिकारी को लिखित दिया गया? नहीं। क्यों क्यों नहीं दिया गया मैडम? क्यों नहीं दिया गया लिखित? अभी तक तो लिखित अभी नहीं किया। क्यों नहीं दिया गया मैडम? कोई अभी तक ने लिखित चावल को नहीं दिया गया, इसीलिए आपके द्वारा नहीं दिया गया लिखित। नहीं नहीं हमेशा की तरह नहीं, आपके विद्यालय में चावल शेष रह गया तो लिखित किसी अधिकारी को दिया गया? कौन चला? चावल के लिए जब 2 दिन नहीं आया, 4 दिन पूछे, पहले भी पूछे तो बोले कि हाँ हम गिरा देंगे, 2 दिन 4 दिन में गिरा देंगे।